तो जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। तो आज की जो एक अपडेट ज़रूरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पे जो ठीक मेरे पीछे नेहरू ब्रिज देख रहे हैं, इसके साथ ही जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, तो जिसका जो फेज़ वन का जो स्लैब का काम हुआ शुरू हुआ, और आज का जो ये इसकी इनाग्रेशन कहने के मैं कहूँगा इस काम की इनाग्रेशन, वो की गई DDC सेरी संगीता शर्मा जी द्वारा, उनके साथ PWD डिपार्टमेंट के XNBK रैना जी मौजूद थे, AE और उसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, व्यापार मंडल के सदस्य भी यहाँ मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में आज जो स्लैब का काम था वो शुरू किया गया। तो आइए जो आज के इस कार्यक्रम की जो वीडियोज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि राजौरी से लेके जम्मू के बीच में अगर जो एक काफ़ी हाई लेवल का जो हॉस्पिटल है वो ये बनने जा रहा है, वो बहुत बहुत ज़्यादा जो आम जनता को जो है फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अक्सर हमने देखा है कि नौशहरा या सुंदर में जब भी कोई सिवियर ऐसी कोई कंडीशन हो, कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाती थी, तो उसके लिए अक्सर जो पेशेंट होते थे, खासकर मैं बात करूँगी यहाँ पे फीमेल्स की, जिस तरह से जो हॉस्पिटल वही मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ के लिए, तो मोस्टली क्या होता है जो वुमेन्स होती जब इनको कोई क्रिटिकल कंडीशन होती थी उनको जम्मू रेफ़र कर दिया जाता था। बट इस हॉस्पिटल के बनने के बाद जिस तरह से हमें पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह की जो केसेस हैं वो कभी भी नहीं होंगे, उनको जम्मू नहीं बल्कि यहीं पे पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ बात करें, यहाँ पे और भी अलग अलग काफ़ी जो ज़्यादा यूनिट्स हैं वो बनने जा रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन यूनिट भी यहाँ देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहाँ डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स भी यहाँ देखने को मिले, मॉर्चरी रूम भी यहाँ मिलेगा, उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो यहाँ बनने जा रहे हैं। और जिस तरह की हमें अपडेट है, लगभग 47 करोड़ की लागत से जो ये हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि लगभग 2025 तक, जिस तरह से बताया जाए कि लगभग 2025 तक जो ये बिल्डिंग है ये पूरी कंप्लीट करके मेडिकल डिपार्टमेंट के हैंडओवर कर दी जाएगी। तो फिलहाल की अगर हम बात करें, अभी तक का जो काम है वो बहुत बहुत ही काफ़ी अच्छी हाई स्पीड से हो रहा है, और जिस तरह से जो भी इस हॉस्पिटल के जो स्लैब का काम है उसकी जो वीडियोस हैं तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो तब तक के लिए हमारे इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और आपके इस काम को लेके क्या क्या कमेंट्स है वो हमसे ज़रूर साझा कीजिए। जैसा कि आज हम यहाँ पर जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के नेहरू ब्रिज के साथ ही जो MCH मदर एंड चाइल्ड केयर हेल्थ सेंटर का जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल का जो काम शुरू हुआ था, आज आप देख रहे हैं कि उसका जो है तीन फेज में जो काम चल रहा था, फर्स्ट फेज का जो आज हमने स्लैब का काम शुरू किया। हमारे साथ यहाँ के PWD के एक्सीन सर हैं, हितेश जी हैं, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जी हैं, हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर संजीव जी, हमारे साथ आप देख रहे हैं कि व्यापार मंडल के यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। तो मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जो सौगात है यहाँ के लोगों को मिली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले तो PWD डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि एक अच्छे से जो बहुत तेजी से आपने देखा कि काम जो है इसका शुरू हुआ, आज आपने देखा कि स्लैब जो है फर्स्ट फेज की पड़ने जा रही है। तो मैं हमारे एडे एक्सन सब जो है बहुत अच्छा जो है वो काम करें, हमारे AE जो है
हितेश जी, ये भी पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे। हमारे कॉन्ट्रेक्टर संजीव जी हैं, इन्होंने भी जो है दिन रात इतनी मेहनत की कि जल्दी से जल्दी जो है इस काम को जो है वो किया। आज आप देख रहे हैं कि शटरिंग जो हुई थी और आज उसकी जो हमने जो है स्लैब की स्लैब डाली है, तो हमारे इनकी भी आज इन्होंने यही कहा कि मैडम हमारी यही कोशिश है कि एक साल के अंदर जो है हॉस्पिटल बनकर कंप्लीट हो जाए। तो हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस अंत में मैं जो मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी जो बड़ी जो है लगभग 50 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इस हॉस्पिटल के बनने से जोरजा, राजौरी, पुंछ, रियासी तक के लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि प्रसव के दौरान जो हमारी माताएं जो बहनें होती थी उन्हें जो है कभी कभार जोरी जाना पड़ता था, पुंछ जो है जम्मू के लिए रेफर किया जाता था, रास्ते में ही उन्हें कई बार अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। तो मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी बड़ी सौगात जो है यहाँ के लोगों को मिली है। तो मैं अपने यहाँ के लोगों की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जो है इतनी अच्छी जो है, आज आप देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कितने अनगिनत कार्य जो है डेवलपमेंट के हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात है राजौरी, पुंछ, रियासी तक के लोगों की। बॉर्डर बेल्ट हमारी जो कलाल है, आप देख रहे हैं कि ब्रिजेस बन गए, तो सभी लोगों को जो है इस हॉस्पिटल के बनने से काफी फायदा होगा। यहाँ की आप लोकेशन देख रहे हैं कि इतनी अच्छी ये साइट है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आएगा तो यहाँ की वातावरण से भी उस पर जो है काफी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं अपनी पूरी आवाम की तरफ से है प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ की जनता जो है जितने भी डेवलपमेंट के उनके द्वारा जो काम हुए हैं, तो राजौरी पुंछ तक की जनता जो है उनके द्वारा दिए हुए कामों को जो है जरूर याद रखेगी। तो मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर 200 करोड़ से भी जो ज्यादा की काम डेवलपमेंट के चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर बिल्डिंग का काम चल रहा है, बॉर्डर बटालियन, ब्रिजेस जो है हमारे डेरा ब्रिज, कुछ दिनों पहले हमने वहां स्लैब डाली थी, और हमारा दब्बड़ भगनोटी का ब्रिज भी वो भी सैंक्शन हो चुका है। तो मैं यही कहूंगी कि मोदी सरकार के आने से जो है लोगों को काफी सहूलतें हुई हैं, हर गरीब को जो है, गरीब तबके के लोगों को काफी फायदा हुआ है। लोग मोदी सरकार से खुश है। आज जितने भी ग्राउंड पर आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के काम, पहले सिर्फ कागजों में काम हुए होते थे, ग्राउंड पर नहीं हुए थे। मोदी सरकार आई तो ग्राउंड पे इतने काम हुए हैं कि वाकई दिख रहा है कि किसी सरकार ने आके काम किए। तभी तो जो नारा आजकल हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 9 साल मोदी सरकार के वे मिसाल है, तो हम यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। एक बार फिर से मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में ही ये हमें आज जो स्लैब का काम शुरू हुआ है, तो काफी लोगों ने अपना योगदान दिया है। और मैं डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत ईमानदारी के साथ काम करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर इस MCH में 7 ब्लॉक्स हैं और एक ऑक्सीजन प्लांट भी है। ये टोटल एस्टिमेटेड कास्ट 47 करोड़ है। 38 का जहाँ पर अलाटमेंट है और लगभग 7 करोड़ के तक जहाँ पर इस समय तक खर्च हो चुका है। आज फर्स्ट पोर्शन की जो स्लैब है उसका काम आज स्लैब पड़ जाएगी, और इसके साथ ही सेकंड और थर्ड फेस में हम दोनों स्लैबें डाल देंगे और जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन सी यूनिट यहाँ बनेंगे? जहाँ फिर MCH में 7 ब्लॉक्स हैं, ऑक्सीजन स्टाफ क्वार्टर्स में होंगे, तो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के तहत हर फैसिलिटी मिलेगी। हमारा यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो फर्स्ट फेस में जो ये स्लैब का काम आज शुरू हुआ है, तो ये आज 2-4 दिन में शायद कंप्लीट हो जाए। ये 3 फेस में स्लैब का काम होएगा और यहाँ काफ़ी फैसिलिटी, यहाँ पे ऑक्सीजन यूनिट का भी जो है इन्होंने प्रावधान यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जगह ऐसी है, यहाँ से सुंदरबनी, नौशहरा और कालाकोट के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और हम अपने तहे दिल से रैना साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।